स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। और आज की न्यूज़ है सीनियर सिटीजन्स कार्ड से रिलेटेड, यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड। और आप सीनियर सिटीजन्स कार्ड 2024 में फ्री में ऑनलाइन कैसे बनवा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसके फ़ायदे क्या हैं ये भी बताया जाएगा। हम आपको इस वीडियो के अंत में एक सीनियर सिटीजन्स कार्ड जहाँ से आप बनवा सकते हैं उसका लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हमने इसमें डिटेल से बताया है कि आप उस लिंक पर जाकर कैसे सीनियर सिटीजन्स कार्ड फ्री में बनवा सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। केंद्र सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक को कई तरह की खास सुविधाएं प्रदान करने के लिए सीनियर सिटीजन्स कार्ड यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यह कार्ड प्रदान किए जाते हैं। अगर आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भारी मात्रा में है, उन्हें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बढ़ते उम्र के साथ साथ ना उनकी तबीयत उन्हें का साथ देती है और ना ही आमदनी। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार ने सीनियर सिटीजन्स कार्ड जैसी योजनाएं बनाई हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के माध्यम से बुजुर्गों को काफ़ी फायदा होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड है क्या। सीनियर सिटीजन कार्ड अक्सर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ लाभ या छूट प्रदान करते हैं, जैसे कि सार्वजनिक परिवहन पर कम किराया, व्यवसायों पर छूट या विशिष्ट कार्यक्रमों और सेवाओं तक सीधा पहुंच। ये कार्ड वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न लाभों और विशेषाधिकारों का लाभ उठाने में सहायक हो सकते हैं। एक वरिष्ठ नागरिक कार्ड प्राप्त करने के लिए इसकी प्रक्रिया और आवश्यकताएँ उस देश या क्षेत्र पर निर्भर करती है जहाँ आप रहते हैं। आपको एक आवेदन पत्र भरने के साथ साथ आयु का प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। वरिष्ठ नागरिक कार्ड कैसे प्राप्त करें इसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे। सरकारी विभाग और वरिष्ठ सेवा संगठन या अपने क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों से जांच करना सबसे अच्छा रहता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड की उपलब्धता और लाभ स्थान के आधार पर महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने विशिष्ट क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिक कार्डों के बारे में सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए लाभार्थी की आयु 60 से अधिक होनी चाहिए। कार्ड के लिए लाभार्थी को उस देश का नागरिक होना चाहिए जहाँ आप सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी को आवश्यक दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या अन्य सरकारी आईडी प्रमाण पत्र आपके पास हों। सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होने चाहिए आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लिए वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार की ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, बाद में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अन्य सरकारी आईडी प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या पेंशन पासबुक, मेडिकल सूचना पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका मोबाइल नंबर। सीनियर सिटीजन्स कार्ड के लाभ आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन्स को एफडी पर बाकी लोगों से ज़्यादा ब्याज दर मिलता है। पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आम लोगों की तुलना में अधिक लाभ और सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स को मिलती हैं। सीनियर सिटीजन्स कार्ड धारकों को सरकारी कंपनी जैसे MTNL और BSNL के लिए आवेदन करने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में छूट और मंथली रेंटल चार्ज में भी छूट मिलती है। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त इलाज और अस्पतालों में छूट दर पर इलाज मिलता है। सरकारी अस्पतालों में सीनियर सिटीजन मुफ्त इलाज और अस्पतालों में छूट दर पर इलाज किया जाता है।
वरिष्ठ नागरिक कार्ड के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स को हवाई यात्रा के टिकट में भी छूट दी जाती है। बाकी लोगों की तुलना में सीनियर सिटीजन्स कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स कम लगता है, साथ ही कई मामलों में रिटर्न भरने से भी छूट मिलती है। आगे जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड 2024 के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। सीनियर सिटीजन्स कार्ड बनवाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसका फॉर्म राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होता है, जहां इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है। इसके अलावा आप सीनियर सिटीजन्स कार्ड एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी किसी भी राज्य के निवासी होने पर सीनियर सिटीजन्स कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। स्टेप पहला है कि आपको सीनियर सिटीजन्स कार्ड एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, और ये आधिकारिक वेबसाइट हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। स्टेप टू है, होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर आपको एप्लीकेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, तालुका, ईमेल एड्रेस, रिलेटिव नेम, फ़ोन नंबर आदि सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन वेरिफिकेशन के बाद आपको सीनियर सिटीजन्स कार्ड प्राप्त हो जाएगा। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर भी जा सकते हैं, और इसका टोल फ्री नंबर है 1291 या फिर 100 पर कॉल करके आप अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन खुद से बनवाना चाहते हैं फ्री में, तो उसकी वेबसाइट है sarkariSuvidha.online/services-detail-senior-citizens। ये है उसकी आधिकारिक वेबसाइट, जिसको आप क्लिक करके सरकारी वरिष्ठ नागरिक कार्ड यानी कि सीनियर सिटीजन्स कार्ड मुफ्त में बनवा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर लिंक डिटेल में चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, या फिर हम ये लिंक कमेंट बॉक्स के पिन पॉइंट कर देंगे। दो जगह से आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और वहां से आप क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना सीनियर सिटीजन्स कार्ड बनवा सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।